शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। निकल यहाँ से। हम यहाँ के नए डीएम हैं, मधु देवी। अगर आदित्य को इस घर से बाहर निकाला तो आप लोग भी इस घर से बाहर होंगे। कोई हमारे नाती आदित्य को इस घर से जाने के लिए नहीं कहेगा। आज से वो इसी घर में रहेगा। नहीं, ये होने नहीं दूंगा। अभी हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा यश जी। वो डीएम मधु देवी कुछ भी कर सकती है। तुम एकदम ठीक कह रही हो। हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन उस आदित्य को तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। सोचते हैं यश जी, सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो आदित्य बहुत ही जाहिल, बहुत ही खतरनाक है। इस आदित्य के इरादे नेक नहीं लग रहे। ये इस घर का वारिस है, इसलिए आया है या हमारे लिए? अभी तो घर में सब ठीक होने लगा था, और ये अजीब लड़का पता नहीं कहां से बीच में आ गया। अब से तू आराम से इस घर में रह सकता है। अपने मामा मामी और बाकी लोगों के पैर छू लो। पैर वैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। मत भूल उमा, इस घर की बेटी का बेटा है, इससे भी इसका हक मिलना चाहिए। चुपचाप से आशीर्वाद दे दो और अपना लो। कंस मामा, तुमने मेरी माँ को इस घर से निकाला था ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। हमें इस बारे में ताऊजी से ही बात करनी होगी। सोच लीजिए, अगर उन्होंने आदित्य के इस घर में रहने पर एतराज किया, क्या आप लोग अपने इस आलिशान मकान पर बुलडोजर चलते हुए देख पाओगे? आप लोग ऐसे कानूनी दावपेच में फंस गए हैं, अगर सड़क पर जाकर भीख नहीं मांगना चाहते तो आदित्य को इसी घर में रखना होगा, और वो जो कहे वही करना होगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, मधु आंटी भी इस घर में मेरे साथ रहेंगी। क्योंकि जब आप लोगों ने मेरी माँ को इस घर से निकाला था, तब इन्होंने ही उन्हें संभाला था। ये हर मोड़ पर मेरे और मेरी माँ के साथ खड़ी रही। ये मैं आप लोगों से पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। नानी, मेरा कमरा कौन सा होगा? आदित्य, इस घर में बहुत सारे कमरे हैं। जो कमरा तुम्हें पसंद आए वही तुम्हारा। यू आर राइट। चलो आओ। अपने दिल को तो मना लिया पापा, अभी मैं चलाकर अपनी यादों को भी मिटा रही। बहुत अच्छा किया बेटा। मैं तो कहूंगा सिर्फ इन चीजों को ही नहीं, अपने पूरे अतीत को भी जलाकर राख कर दे। बेटा
तेरी माँ कह रही थी ना कि गर्ग परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। मुझे पहली बार उसकी बातों में तेरे लिए भलाई नजर आ रही है बेटा। दो लम्हा हमें तकलीफ पहुंचा है, उस लम्हे से दूरी बना लेना ही बेहतर है बेटा। अपनी जिंदगी में आगे बढ़, नए सपने देख, उन सपनों को पूरा कर। यश और अंजलि खुश है बेटा। अगर तू कहे तो मैं आज से ही तेरे लिए लड़का देखना शुरू करता हूँ। ऐसी भी क्या जल्दबाजी है, संभल तो जाने दीजिए उसे। हाँ पापा, अब आप मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कीजिए। अब मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। एक दिन पहले हम दोनों ने साथ में कितने सपने देखे थे, अपने फ्यूचर के लिए कितनी प्लानिंग की थी, और मैं उन पल को कभी भूल नहीं पाऊंगा। वादा करो अंजलि, हम जीवन भर एक आदर्श पति पत्नी की तरह रहेंगे, लोग मिसालें देंगे हमारी। मंजूर, आप भी वादा कीजिए यश जी कि हम दोनों आदर्श बेटा और आदर्श बहू बनकर अपने पूरे परिवार की सेवा करेंगे और उनके सारे सपने पूरे करेंगे। लेकिन बस यही नहीं, हम एक दूसरे के भी सारे सपने पूरे करेंगे। अच्छा चलो बताओ, तुम्हारा सपना क्या है? यश जी, हम बचपन से गोपाल के कपड़े बनाते आए हैं। हम चाहते हैं कि हम इसी दिशा में आगे बढ़े। छोटे से लेके बड़े तक सभी भगवान जी के ऐसे कपड़े बनाए जो किसी ने ना बनाए हो। हम अपना ब्रांड स्थापित करना चाहते हैं। क्या बात है, तो फिर शुरुआत करो और मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी तुम्हारा ब्रांड धूम मचा देगा। नहीं यश जी, आप हमारे काम में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, बल्कि आप अपने व्यापार में कुछ ऐसा करके दिखाइए कि घर के सब लोगों को आप पर नाज होगा। लेकिन अंजलि, आपको भरोसा है ना पर हम अपना काम संभाल लेंगे। देखिए, पहले घर पर ही छोटा सा सेटअप लगाएंगे, फिर कारीगर बिठाकर हम अपना काम शुरू कर देंगे। और यश जी, अगर कहीं पर भी किसी भी काम के लिए आपकी कोई भी जरूरत पड़ी तो हम खुद बता देंगे आपको। जो हुक्म मेरे आका, जैसा तुम कहो। अभी तो हमने बस सपने देखने की शुरुआत ही की थी। ये पर्दे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? बदल दूंगा इसे, एक भी पर्दा नहीं चाहिए यहां पर। चलो हटाओ ये सब।
मेरा कमरा था। अब ये मेरा कमरा है। क्या कर रहे तू? हाँ जी, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए ये जी, छोड़ो हमारी यशी को। जी प्लीज आपको समझने की कोशिश कीजिए, हम जाकर भी कुछ नहीं कर सकते। बात हमारे घर की है, अगर हमें अपने घर को बचाना है, अपनों को बेघर नहीं होने देना है, इस वक्त अपने गुस्से पर काबू रखकर हमें सब कुछ सहन करना होगा। नहीं, मैं इसकी ये बदतमीजी सहन नहीं कर सकता। आपको हमारी कसम, चलिए यहाँ से। अभी तो तुझे सिर्फ इस कमरे से बाहर किया है भाई, बहुत जल्द तुझे अपनी अंजलि की जिंदगी से भी बाहर कर दूंगा। पहले वो डीएम और आदित्य जबरदस्ती हमारे घर में घुसकर बैठते हैं, और अब सर फिरे आदित्य ने हमारे कमरे पर भी कब्जा कर लिया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वो सब छोड़िए यश जी, आप इस शान से कहिए कि आज यहीं ठहर जाए। प्लीज अंजलि, आज मैं बहुत अपसेट हूं। तो रहिए ना अपसेट, लेकिन यश जी शान से कहिए ना कि हमेशा के लिए यहीं रुक जाए। अंजलि, ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, अभी रात खत्म तो चांद की ड्यूटी भी खत्म। तो आप मानते हैं ना कि रात खत्म हो जाएगी? रात खत्म हो जाएगी ना यश जी, कल के सूर्योदय के साथ। जैसे रात खत्म हो जाती है वैसे ही अंधेरा भी खत्म हो जाएगा, और ये जो मुश्किलें चलते हुए आई है ना हमारी जिंदगी में, दौड़ते हुए वापस जाएंगी, और नहीं जाएंगे तो धक्के मार के हम वापस भगाएंगे। आप टेंशन क्यों लेते हो? जब यश और अंजलि साथ हैं तो फिक्र की क्या बात है। लेकिन अंजलि, हमने अभी अभी तो इतने खूबसूरत पलों के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत ही की थी, और फिर ये सब अचानक, जैसे हमें किसी की नजर लग गई हो। अरे, आज की रात कोई कम खूबसूरत नहीं है। सोचिए, अगर हम इस वक्त अपने बेडरूम में होते तो क्या ये चांद हमारे साथ होता? मैं तुम्हें अधिकार नहीं देता, प्लीज।
के कमरे पर तो मैंने कब्जा कर लिया, और अब भी वो मेरी अंजलि के साथ है। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी अंजलि को लेकर कहां गया होगा वो यश? तुझे तो मैं जान से मार डालूंगा यश। इसे मारने के चक्कर में मैं तुम्हारी नींद कैसे खराब कर सकता हूं? इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत लग रही हो कि चांद भी शर्मा रहा है। तुम सिर्फ मेरी हो अंजलि, यश तुम्हारे काबिल नहीं है। और वैसे भी ज्यादा दिन ये जिंदा नहीं रहने वाला, समझो बात, दूर रहो इससे। चलो मैं खुद ही इसे दूर कर देता हूं तुमसे। क्या कर रहे हो? यश जी कहाँ है? यश जी कहाँ? भागो मत अंजलि, गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं बताता हूँ ना यश कहाँ है। हाँ, कहाँ है? उसे मैंने बेहोश करके। क्या किया तुमने? क्या किया? ये बोलो अंजलि, तुम्हें तकलीफ में देख के मेरी जान निकल जाती, जानती नहीं हो क्या तुम? बेहोश करके मारा नहीं है मैंने उसे, तुमसे दूर करके हॉल में लेटा के आ गया। डरो मत अंजलि, कुछ नहीं करूंगा मैं। बस आज इस चांद को साक्षी मानकर तुम्हें अपने दिल की बात कहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अंजलि, तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। और सबसे जरूरी बात कि अगर कोई हमारे बीच में आया तो सबसे पहले मरेगा वो।
यहाँ कब आया? कुछ कुछ याद ही नहीं आ रहा है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सोचने की? अंजलि सिर्फ और सिर्फ यश जी की है, सिर्फ और सिर्फ यश जी की। ऐसी बातें मत करो अंजलि, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, अंजलि किसी और की हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, अंजलि यश जी की है और हमेशा यश जी की ही रहेगी। और अगर यश इस दुनिया में ना रहा तो? तीन बजे हम नहीं आएंगे। यश की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। कुछ नहीं कर सकते तुम, हम यश जी को कहीं जाने ही नहीं देंगे। यश चला गया या यूं समझो हमेशा के लिए चला गया। अंजलि, यश जी कहाँ हैं आप? अंजलि काम बहुत अर्जेंट था। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।